Yeah. आप खूबसूरत भी बहुत <coughs> हाँ हाँ लड़की भी बहुत लाइन मारती होंगी बस हाँ लाइन स्क्वायर तो... बोला बोला सब। <laughs> <laughs> प्यार यार कुछ नहीं है लड़के भी आते थे काउंसलिंग के लिए मैं यहाँ प्रीति से मैंने प्रीति लगाई लेकिन प्रीति ने सारी प्रीति उसके पैसे में लगाई अगर मेरी मैरिज होती है तो छः महीने में मेरी वाइफ मर जाएगी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल ओके और अगर मेरी सेकेंड मैरिज होती है तो फिर वो ढाई साल में मर जाएगी तो थर्ड मैरिज आई वुड बी फैबुलस मतलब जो बुक्स में लिखी जाएगी आइडियल मैरिज ऐसी तो आइडियल मैरिज के लिए कहानी लिखी जाएगी किताबों में हाँ, लोग पढ़े वाह लेकिन उसके पहले मुझे दो पहला प्यार सफल नहीं हुआ दूसरा प्यार सफल हुआ तीसरा प्यार दुनिया का सबसे तावर तोड़ किताब निकली है तो लेकिन दो लड़कियों की बलि चढ़ा करके ये तो मतलब बहुत ही क्रूड लाइक डू यू थिंक सो कि सॉरी एक वाज अ ट्रू सेंट

Equally happy. <laughs> <equally> <laughs> happy, yes. <laughs> ये तो वही हो गया बहुत आपने साफ और बैलेंस करके उत्तर दिया क्योंकि नहीं, नहीं, मुझे एक लगता है कि आपको एक चुनना पड़ेगा नहीं जपना चाहता हूँ भगवान को जपना चाहता हूँ तो हम कहें काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो बस आप मत फॉलो करे उसका अच्छा लेकिन आप ये बोलोगे काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो कहते हैं बहुत बढ़िया जब रहे हो तो सांब सदाशिव जब लो होता क्या है ना देखो कभी कभी ना हासिल करने का जुनून होता है यार इसको हासिल कर करना है तो जैस्मिन को लगता है मुझसे कितना प्यार करता है ना ये या जैस्मिन यू नो अगर तेरे से शादी नहीं हुई ना यार कुंवारा रह जाऊँगा, चोला पहन लूंगा <laughs> वो लगता है अरे जैस्मिन कहती है कितना प्यार करता है मेरे को अरे पर असल में वो हासिल करने का जुनून है नमस्कार मैं हूं अंकित मिश्रा आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी का पॉडकास्ट हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो है लखनऊ का एक लड़का जिसका नाम है आशीष अरोड़ा साल 2004 में वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करता है उसके बाद इंडिया में अच्छी जॉब करता है फिर चलाता है यूएसए साल 2010 में जब यूएसए में ही थे वो तो उनको कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया और वो स्कॉन में चले गए आशीष अरोड़ा बन जाते हैं अमोघ लीला दास अब आइए उनसे जानते हैं कि आशीष अरोड़ा से अमोग लीला दास वो कैसे बने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही आज फेमस हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी का उन पर ज़्यादा ज्ञान देने का वो काम कर रहे हैं देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ कि अमोघ लिलास के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी भी जुड़ी है उसके बारे में बात करेंगे और यूथ जो आज बहुत परेशान है कि उसके मेंटल पीस कहाँ पर है

तो शराब बन जाएगा अगर संत का संग करेगा तो संत बन जाएगा तो आपका सारा जो खेल है वो संगति का है वास्तव में तो इसलिए आशीष अरोरा हालांकि आज ही मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में आशीष अरोरा ही लिखा हुआ है बट या स्परिचुली आई गॉट दिस नेम फ्रॉम माय गुरु इन द ईयर 2006 तो वैसे मैं इस कॉर्न के टच में आ गया था आफ्टर ट्वेल्थ क्लास क्योंकि मैं काफ़ी दर दर भटका करता था अपने सवालों के जवाबों के लिए और फिर रास्ते घूमते घामते फिर हम अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढांडते फिर हम पहुँचे फाइनली हरे कृष्णा में तो घाट घाट का पानी पिया फिर पहुंचे हरे कृष्णा की नदी में फिर वहाँ जो पानी पिया वो बड़ा मीठा पानी था सो so, फिर सन दो हज़ार में मैं आगे था हरे कृष्णा के टच में फिर ऑल दो आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन मेरा काम करना बट एट द सेम टाइम आई वॉज चैंडिंग हरे कृष्णा चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ उसका फिर दो में आई ज्वाइंट एज अ मंक यस तो इस तरह से फिर जिंदगी आगे बढ़ी दो हज़ार में आई गॉड दिस ने फ्रॉम माई गुरु हिज हिज वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज शिल्पाज डिसाइपल उनके शिष्य हैं उन्होंने मुझे फिर दीक्षा दी शिक्षा दी और बाकी भक्तों के संग में फिर रह करके तो जिंदगी आगे बढ़ी फाइनली फिर हमने कहा सोचा भाई क्या किसी लड़की को लाल जोड़े में घर लेके जाएं खुद ही लाल जोड़े पहन लेते हैं तो इस तरह से फिर हमने कहा चलो भाई ब्रह्मचारी रहते हैं तो गृहस्थ तो कहीं है ही हैं सो so, कुछ ब्रह्मचारी भी से होते सो दैट्स वाई आई थॉट टू बी पार्ट ऑफ बी भक्ति सिक्योरिटी फोर्स तो रोज ऐसी कौन सी चीज़ आपको बहुत इन्फ्लुएंस करके कि आप कि नहीं अब मुझे मोंग बनना है आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी खूबसूरत भी बहुत <coughs> लड़की भी बहुत लाइन मारती होंगी लाइन स्क्वायर बोला तो, सब <laughs> <laughs> तो आपने कैसे सोचा कि नहीं भाई मुझे अब इसको छोड़ करके मुझे भगवान की भक्ति करनी है और मुझे प्योर डिओटी बनना है और मॉन्क बन जाना वैसे तो मेरा प्लान था ओके okay. पर मैं देखा यार कि ना ये मिलेर बनूंगा दान करूंगा तो लोगों के शरीर की सेवा होगी जैसे कुछ किसी को कुछ खिला दिया किसी को मैंने कंबल दे दिया किसी की पढ़ाई करा दी जैसे कई लोग शादी कराते हैं ये आपकी बेटी की शादी हम करा देंगे तो इस तरह से शरीर की सेवा करने वाले कई लोग हैं वी रियली अप्रिशिएट लेकिन ना तन की सेवा के साथ साथ मन की सेवा होना भी बहुत जरूरी है लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा था तो लोग मन से ज़्यादा दुखी हैं इस दुनिया में देखिए कई बड़े बड़े अमीर लोग हैं लेकिन ना ईगो की दिक्कत है मन की दिक्कत है तो मन की सेवा भला कौन कर रहा है मन की सेवा कोई नहीं कर रहा जी तो हमने कहा ये मन वाली सेवा करनी चाहिए तो इसके लिए हमें मंख बनना होगा इसके लिए फिर तो इससे पहले तो अपने मन पर काम करूँगा फिर मैं और को मन पर काम कर पाऊंगा अगर मेरा खुद ही का मन बीमार है मैं किसी के मन पर भला क्या काम करूँगा तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया दैट देट मी बिकम अ मंक और मेरा स्वभाव ही जो था गृहस्थ वाला नहीं था डो हैव वाइफ और वो पूछे और जी दिन कैसा बीता चाय पियोगे पकौड़े बना लाऊँ

मैं मैंने हाल ही कभी ऐसा प्लान नहीं किया था दैट आई बिकम लव गुरु बट आई बिकेम लव गुरु इन द सेंस आई वुड डू काउंसलिंग फॉर ब्रोकन हार्टेड तो लड़किया भी आती थी हम एक यू नो हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं हमें सच्चा क्यों नहीं मिलता है फिर हम उसी काउंसलिंग करने आ रहे, आ, तो नहीं कह रही थी। ना, ना <laughs> <laughs> किसी और से टूटे होते थे उनको बता अच्छा। था ये तो खैर पत्थर दिल आती है तो तो वाला है नहीं तो क्यों है ऐसा आपने कैसे बना लिया आपको कि आपका दिल किसी से लगा ही नहीं देखो हमने ना मैं देख लेता कि ना ये है तो सब नकली माल है ये है तो इन्फेचुएशन वगैरह होती है प्यार यार कुछ नहीं है तो लड़के भी आते थे काउंसलिंग के लिए मैं यार प्रीति से मैंने प्रीति लगाई लेकिन प्रीति ने सारी प्रीति उसके पैसे में लगाई <laughs> सो यार मैंने कहा ये हिसाब किताब है कि यार तो ये तो है तो सारा कोई चीज़ से प्यार नहीं करता सब खुद से प्यार करते हैं एक्चुअली तो मैंने जब ये ऑब्जर्व किया मैंने कहा ये तो नकली चीज़ है साथ ही मोर फिलोसफिकल इन माई आउटलुक तो इसलिए मेरा भगवदीता पढ़ना स्पिरिचुल बुक्स पढ़ना गुरु जी की पास जाके कहीं पर सवाल पूछना ये ये मेरा नेचर था तो इसलिए मैं कभी इन चक्करों पढ़ा नहीं गर्ल्स होता है साइट सुंदरता जो अंधा कर देती है तो इसलिए जब मैं जवानी में था तो सुंदर था हैंडसम था गुड लुकिंग था यू आर स्टिल अरे नहीं कहा पैंतालीस साल के बुढ़ाऊ है अरे नहीं बाबा आप तो बहुत जवान है अब एन ओल्ड मैन नाउ अब तो कई लड़कियां आती हैं ये बोलने के लिए कि प्रभु जी मेरी मैरिज होगी आप कन्यादान के लिए आएंगे मैंने कहा बिल्कुल लाइक फादर

जब ना बच्चा पाल पोस के बड़ा करके अपनी बुढ़ापे की लाठी भगवान की सेवा में समाज की सेवा में दे दें तो ये उनकी महानता है तो इसलिए आई एम इन रेगुलरली टच ऑफ माई पेरेंट्स मैं आई थिंक हफ्ते में एक दिन तो जाते ही जाता हूँ उनके पास मिलता ही हूँ एंड वी हैव प्रसादम टुगेदर वी हैव लंच टुगेदर समटाइम्स इवन डिनर टुगेदर अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर आई हुई थी सो आई वॉज फॉर टू थ्री डेज आई वॉज एट होम तो इस तरह अच्छा। से माता पिता से मैं मिलता रहता हूँ अच्छा। और वो भी मंदिर आते हैं वो भी मेरे से मिलते हैं सो वी आर हैविंग गुड टाइम अच्छा क्या सन्यास का एक नियम नहीं होता जिसमें सन्यासी होने के बाद अपने परिवार से आप नहीं मिल सकते और माता पिता को देखे तो फिर आपको आत्महत्या करनी पड़ती है तो है। आप सन्यासी होने के बाद मिल रहे हैं हाँ हाँ हा, तो क्या हा, वो उस नियम को ताक में नहीं रखा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसे होता क्या है दो तरह के लिए क्या नियम था वो एक दो तरह के साधु होते हैं एक होते हैं भजनानंदी एक होते हैं गोष्ठानंदी भजनानंदी होते हैं कहते हैं बस हमें जो भजनानंदी होते हैं दे वॉन्ट टू लिव इन सिक्लूजन अकेले में रहेंगे बस हम किस में मिलेंगे ये ये घर ये गृहस्थी ये दुनिया ये परिवार बस मैं जा रहा हूँ गुफाओं के अंदर हिमालय के अंदर तो उनको बोलते, है बोलते हैं भजनानंदी बोलते जी ठीक है दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी hmm. गोष्ठानंदी में होते हैं जो कि लोगों से मिलते हैं स्पिरिचुअल hmm. एजुकेशन देते हैं ऐसे नहीं अपना भजन नहीं करते वो अपना hmm. भजन भी करते हैं दे हैव ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एट द सेम टाइम दे आर मोर एक्सेसिबल टू द मासेज तो फिर जो भजनानंदी होते हैं वो परिवार को नहीं छोड़ते वो परिवार को एक्सटेंड करते हैं सो होल वर्ल्ड इज माई फैमिली तो जो होल वर्ल्ड इज माई फैमिली तो मेरे माता पिता भी उस फैमिली का हिस्सा ही है और जैसे लाइक यू आर ऑल्सो माई फैमिलई लाइक माई ब्रदर तो इस तरह से जो गोष्ठानंदी साधु होते हैं उनके लिए पूरी दुनिया उनका परिवार होती है तो इसलिए मेरा परिवार वो भी है और साथ ही मेरा एक्सटेंडेड परिवार भी है सो वी हम सबसे मिलते जुलते हैं एंड देन वी ट्राई टू गिव दैम एसोसिएशन ओके यस तो इस तरह से हमारा परिवार रहता है और माता पिता का स्पेशल स्थान और रहेगा जब तो शुरू शुरू चला कि अब आप मॉन्ग बनने जा रहे हैं अब या, या। आप शादी नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी पापा अरे बेटा शादी कर ले बहू लेते आए से पोता आ जाए लेकिन <laughs> आपने कहा नहीं भाई मुझे बनना है संत मुझे आ, बनना है समाज की सेवा करना है आ, तो इंसान अपनी सेवा न करके समाज की सेवा से जुड़ गया क्या रिएक्शन था उनका

तो फिर ना फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा देखिए आपने अपनी किस्मत में जो आपको नहीं था वो शिव ने आपको दे तो दिया है नहीं जैसे शिव कैसे हैं वन बी के अपार्टमेंट में नहीं है कैलाश में रहते हो तो कहता ये भी ऐसा वैरागी ही होगा तो इसलिए उन्नीस साल की उम्र में ये भग लेगा ये घर छोड़ करके ठीक है तो फिर वो इसलिए ना इसके इसको लेकर के वो रेडी थी साथ ही उन्होंने मेरा स्वभाव भी देखा मेरा स्वभाव गृहसी वाला था नहीं आज वेरी फ्री स्टाइल व्यक्ति उन्होंने वो जानती थी अगर शादी कर ली वो दुखी रहेगी जो शादी करेगी इससे तो इसलिए शादी नहीं करता ठीक है हम भी नहीं चाहते प्रभु भी वो जानते हैं ये फ्री स्टाइल आदमी है एकदम वो दुखी रही गए थे कि घर में रहता कहाँ जी ये तो फ्री स्टाइल आदमी है तो अब उधर बेटा बेटा जी तो इसलिए उनको पता था हमारा बेटा फ्री स्टाइल है साथ ही एस्ट्रोलॉजिकली भी उनको पता है कि ना अगर मेरी मैरिज होती है तो छः महीने में मेरी वाइफ मर जाएगी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल ओके और अगर मेरी सेकेंड मैरिज होती है तो फिर वो ढाई साल मर जाएगी

और आज हमें पूरा तैयार करके भगवान को दिया है हाउ कैन यू फोकेट दैम हम दुनिया को मिलेंगे उनसे नहीं मिलेंगे काय को ये नकली बहरा गया है so, सो इसलिए हमें देखना चाहिए मेरे माता पिता भगवान का सबसे सुंदर गिफ्ट है उनकी वजह से मुझे अच्छी परवरिश मिली दैट्स वो आई एम देर इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉड तो इसीलिए हमारे में कृतज्ञता हमेशा रहनी चाहिए वी शू ने कृतज्ञ वी शुड बी ग्रेट फुल नॉट अ ग्रेट फूल ग्रेट हाँ समझिए प्रभु जी अब आते हैं एक बहुत बड़े टॉपिक्स क्या आपने इस कॉन में बहुत प्रचार प्रसार किया बहुत अच्छा काम किया हाँ, बहुत हाँ, लोगों को भक्ति से जोड़ दिया यस yes. लेकिन आपका एक स्टेटमेंट हाँ, जिस पर इस कॉन ने आपको सस्पेंड कर दिया हाँ, क्या था वाक्य आपको गुस्सा नहीं आया मैंने लोगो हाँ. तक पहुंचाया हाँ, मैं हाँ. भी आपसे उसी तरीके से जुड़ा हाँ हाँ बहुतों तक आपकी आवाज गई आपको गुस्सा नहीं आया बिल्कुल ने मुझे सस्पेंड कर दिया बिल्कुल नहीं मेरे को क्योंकि वो प्लान मेरा ही था मैंने ही इसको ऑन में रिक्वेस्ट की थी मैंने कहा देखो अभी ना आ, आ रहा है पुरुषोत्तम मास मेरे को वैसे ही एक महीने के लिए गोवर्धन जाना ही है ठीक है आप ना मेरे पे एक महीने का बैन लगा दो इससे क्या वो पार्टी भी शांत हो जाएगी जो दुखी हो रखे हैं भाई हमारे विवेकानंद जी के लिए आपने ऐसा कैसे बोल दिया और तो मैंने विवेकानंद के लिए कुछ नहीं बोला था मैंने सिर्फ ये बोला था आई हमली डिसअग्री विद फ्यू स्टेटमेंट्स और ये मुझे संविधान से अधिकार मिला है कि मैं किसी व्यक्ति को स्टेटमेंट से डिसग्री करूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल टू से तुलसी इज इन्फीरियर टू बैंगन क्योंकि बैंगन से पेट भरता है लेकिन तुलसी खाने से पेट नहीं भरता hmm. तो मैं तो मैंने कहा अभी विवेकानंद जी बोल सकते थे कि आप भाई बैंगन का भरता बनाओ और उसमें तुलसी का पत्तर रख रखकर भगवान को भोग लगा के खा लो जैसे ऐसे भी तो बोल सकते थे ना तो इस तरह से फ्यू थिंग्स वे विच वेराई डिसक टू से टू रीट भगवदीता इज इन्फीरियर टू प्लेंग फुटबॉल क्योंकि फुटबॉल खेलने से ना टीम स्पिरट आती है सो आई सेट कि ना विवेकानंद जी कह सकते थे कि आप चार पाँच घंटा फुटबॉल खेल लो टीम स्पिरट के लिए फिर आधा घंटा गीता ही पढ़ लो ही गुड से दैट एज वेल तो इस तरह से हमली हमली डिस करता हूं पर हमारे कोई बंगाली भाई बहन लोग थे वो थोड़ा बुरा मान गए तो फिर मैंने कहा देखो एक तो उनसे माफी मांगना बनता है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट exactly. so, सो की भाई हम बोले कि मच्छी नहीं खानी चाहिए ऑफकोर्स मच्छी है। एक गेरवे कपड़े में सैफरान वाले को मच्छी नहीं खानी चाहिए अगर वो खाते हम बंगाल से हैं तो गए हमारे प्रभुपात जी भी बंगाल से थे लेकिन उन्होंने मच्छी कभी नहीं खाई बल्कि ऐसे भी साधु लोगों में नाम भी लूंगा अभी जो कि अमेरिका जाकर बीफ भी खाए लेकिन मैंने उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया उसके अंदर लेकिन भाई प्रभुपा जी अमेरिका जाकर के जो लोग बीफ खाते थे उनकी बीफ छुड़वा दी तो यानी ऐसा नहीं हम बंगाल से हैं तो हमें मीट खाना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है सो आई जस्ट हम्बली डिसग्रीड विद विवेकानंद पर मैंने उसमें यही बोला था कि मेरे सामने होते हो यहाँ पर मैं उनको प्रणाम करता है लेकिन वो सब क्रॉप तो आउट करता है उससे थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनेगी भाई कॉन्ट्रोवर्सी वाली चीज निकालते हैं इसमें से तो इसलिए फिर चीज़ थिंग्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो जो लोग दुखी हुए हमने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी हमने कहा भाई देखो हमारी बात से आपको दुख हुआ हम माफ़ी मांगते हैं इसके लिए लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कॉन्ट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड उसमें, उसमें कोई पोलिटिकल एंगल भी थे मैं यहाँ हाईलाइट नहीं करूँगा जो बंगाल में उसको चल रहा था बट यस इट वॉज दैट तो इसलिए हमली डिसग्री करना इट्स फाइन और एक महीने का जो सस्पेंशन uh, था हमारा वो मेरा ही डिसीजन था तो फिर तो देखा कि ओके okay, थोड़े एजिटेटिंग सिचुएशन है

बट प्रभु जी आपके अंदर एक अलग ही क्वालिटी है नहीं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ठीक है तो आ... वो आपके माध्यम से करवा रहे हाँ बस बस वही है, थीक है। लेकिन लेकिन खुदा मेहरवान तो गधा पहलवान हम हैं तो हम गधे लेकिन पहलवान बन रखे जो खुदा यार बिल्कुल भी नहीं आई नो इट वॉज इजुएन की ना ना रत्ती भर नहीं देखो होता क्या है इस जगत के अंदर मान सम्मान मिलना और अपमान होना ये सुख दुख होना कभी सुख है कभी खुशी कभी गम तारम पम पम तो ये तो लाइफ में लगा रहेगा ही डुअलिटी कभी लाभ है कभी हानि है कभी मान सम्मान कभी अपमान कभी अप कभी यश कभी अप यश एट्स पार्ट ऑफ लाइफ इसमें मन नहीं लगाना चाहिए जो चीज रहने वाली है ना उसे मन लगाना चाहिए क्या रहने वाला है ये भक्ति ये प्रभु का नाम ये भगवद गीता ये रहने वाले इसमें मन लगाना चाहिए बाकी चीजें आने जाने वाली हैं उन्हें मन नहीं लगाते आने जाने चीज़ों में मन लगाओगे ना दुखी रहोगे

या कि हम सम्मान सबका करते हैं लेकिन गर्व अपने संप्रदाय पे करते हैं क्योंकि जो भगवद गीता की शिक्षाएं हैं जो उसके अलाइन्ड हैं उसको हम फॉलो करते हैं बाकी देखो कई ऐसे साधु लोग भी हैं जो कि एज सच so कि स्वामी विवेकानंद सेंट

पर हालांकि भगवद गीता के अनुसार जितने पथ हैं उतने मत जितने मत हैं उतने पथ नहीं होते क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भक्तिया माम अभिचार थी ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन सो भगवान ये नहीं कह रहे जितने रस्ते हैं बस उतने सब रस्ते जो है प्रमाणिक है नहीं ऐसा नहीं है लाइक लॉर्ड कृष्ण इन भगवद गीता चैप्टर नाइन ही सेज कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं जो भूत पिशाच की सेवा पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं और जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं यानी सब रस्ते एक और नहीं जाते हैं एक्चुअली तो इसलिए मैंने उसमें ये भी हाईलाइट किया था एज पर तो मत तत्वत डजन मैच विद भगवदीता टीचिंग्स लेकिन वो भगवदीता श्लोक भी वीडियो से हटा दिया गया था और फिर जो कॉन्ट्रोवर्सी पार्ट था वो आ गया था सो वी फॉलो श्रीमद

फर्स्ट इट शुड बी ऑफर टू द लॉर्ड भगवान हरि को पहले वो ऑफर हो फिर okay. प्रसाद आप देंगे ना जब पितरों को पितर कहते चलो भाई प्रसाद आया आ जाओ भाई आ जाओ कहीं समझदार आया हमारी पुष्तों में गई ना गई ना नहीं तो सीधे खाना खिलाते हैं बस हमको प्रसाद तो खिलाते नहीं पर शास्त्रों में लिखा है कि हमें पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए फिर प्रसाद देना चाहिए पितरों को अच्छा हाँ ठीक है प्रभु जी राजनीति में धर्म हाँ धर्म में राजनीति हाँ क्या कहना चाहेंगे देखिए धर्म जो है ना शुड ऑलवेज बी लाइक अम्ब्रेला फॉर राजनीति ऐसे एक समय ने किसी ने पूछा था मोदी जी से पूछा था हुँ. कि आपके लिए बोला राजनीति क्या है तो हुँ. बड़ा सुंदर जवाब दिया मोदी जी ने मोदी जी ने कहा कि राजनीति वास्तव में और कुछ नहीं ये परमात्मा के द्वारा दी गई सेवा का मौका है इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द ह्यूमैनिटी ये पावर ये इन्फ्लुएंस सो so, ये किस लिए मिलता है ये सेवा के लिए मिलता है पर ये तब आप आता है जब आपकी कॉन्शियसनेस इज ड्रिवन बाय धर्म अगर धर्म वाली कॉन्शियसनेस नहीं होगी देन यू मोर इनटू दादागिरी भाई अरे भाई अब तो पावर आ गई रे नेचर ऑफ पावर इट करप्टॉर श्योर इट पावर का नेगर तो नहीं है धर्म में चलना चाहिए फिर आप एक क्रियाएं जो होंगी धर्म के अनुसार होंगी मोर प्योर तो मतलब एक किंग होते थे किंग मेकर होते थे किंग मेकर वो हुआ करते थे दोंग एग्जैक्टली

उसमें था कि कौन कौन देता है योगी आदित्यनाथ जी को अगला प्राइम मिनिस्टर और उस सर्वे के अनुसार जो कि यूट्यूब में था उसके अनुसार 87 सेवन परसेंट पीपल दे वाक्स्ट फॉर योगी आदित्यनाथ तो इसलिए सोशल uh, मीडिया पे और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे चीजें बदल जाती हैं जैसे कांग्रेस जब भी कुछ करती है सोशल मीडिया पर उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा होता है लेकिन दो हजार चौदह में ना और मीडिया था विच वॉज नोट सोशल मीडिया सोशल मीडिया मोदी दो इलेक्शन में क्या हुआ था सब जानते सो सोशल मीडिया इज प्लेंग इवन मोर पावरफुल रोल देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया Right. तो इसीलिए अभी तो वही छाए हुए हैं और जहां तक महंत की बात है देखिए ही इज अ क्षत्रिय एट द सेम टाइम ही साधु एट हार्ट वो गौ माता के साथ समय बिताते हैं मैं पर्सनली बताता हूँ यूपी आदित्यनाथ से इवेंट फॉर फॉर सम एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए गए थे हम लोग यूपी में हाँ. एंड उस वक्त ये अयोध्या वाला मसला चल रहा था उस वक्त हाँ, uh, अच्छा हाँ एंड some ना ये अयोध्या का मंदिर नहीं बन रहा बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ जी तो इसने हल्के से वो इस चीज को लेकर चिंतित भी थे ऑल ही इज़ वेरी वेरी लॉयल अबाउट अयोध्या मंदिर और अब तो मंदिर बन भी गया राम जी का पर हमसे बहुत अच्छे से मिले अच्छा हाँ मतलब अभी तक मैंने जितने भी पॉलिटिशियन से मिला हूँ अमंगदैम सबसे हम्बल तरीके से जो हमसे मिला वो व्यक्ति वह आज योगी आदित्यनाथ

फर्स्ट इज मोदी सेकेंड इज योगी आदित्यनाथ बट दे आर वेरी क्लोज टू इचर मुझे लगता है ये चीजें बदल जाएंगी जब योगी प्रधानमंत्री बन जाए पॉसिबल oh, <laughs>